नमस्कार, पावरबाज कार्टून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है, आज का जो कार्टून है, इस कार्टून में दिखाया गया है अमीर बेटी का सौदा। तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मजा इस कार्टून में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और मुझे पता है आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाओगे, क्योंकि भाई कार्टून हर कोई देखना पसंद करता है। वीडियो को लाइक कर देना, और कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और चैनल पे आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑल प्रेस कर लेना। चलो देखते हैं अमीर बेटी का सौदा कार्टून। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगी, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या, दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है, घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा, मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी, मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है, वो स्टील किंग सिंघानिया का, या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता उनका? नहीं नहीं पापा, वो अपना ही काम करता है, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा, वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा, आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है, वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूँ? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है, शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूँ? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं शादी कर दूँ? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे, दो कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने दो साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है, मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, मेरी खुद की जगह है दादाजी की, बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो। मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे, मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वह तो हर पति का धर्म होता है, वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं वो उसे खुशी रखेगा, लेकिन देखो मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता, वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं, अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो, मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नत करता है, लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले, मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ,
वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स हैं। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में? और तो क्या हो गया, शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी? उन लोगों से रिश्ता बना कर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़के से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद, शिल्पी मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है मैं जा रही हूँ तलाक के पेपर में साइन करके, लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुँचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। अब मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है जहां सामने मुकेश होता है। अरे आप, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहाँ शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी तुम्हारे बारे में माँ से पता चला, घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ, तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये कंपनी ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है जो कार्टून की वीडियो होती है, तो यार कम से कम 5 लोगों को वीडियो को शेयर कर दो। और भाई जहाँ भी शेयर करोगे ना, उसके नीचे लिख देना कि 5 लोगों को आगे भी नेक्स्ट कर दे जाना। थैंक यू।